राजस्थान सरकार की फ्री मोबाइल योजना यानी कि महिला डिजिटल योजना से संबंधित बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हाँ, लंबा टाइम हो गया, सबको लग रहा था कि ये योजना बंद हो चुकी है और बीच में कुछ ऐसी अपडेट भी देखने को मिली थी जिससे हमें लगा था कि ये योजना सरकार ने बंद कर दी है, सरकार अब मोबाइल नहीं देगी। लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से अभी एक बड़ी अपडेट आई है। उनका कहना है कि हम ये मोबाइल पहले ही दे देते, लेकिन जो सेमी कंडक्टर चिप है, जो एक मोबाइल की चिप होती है, वो कम उसकी कमी हो गई, इस वजह से कंपनियाँ मोबाइल की सप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो इस वजह से ये मोबाइल नहीं दिए गए। लेकिन फाइनली हम ये मोबाइल फोन वितरण करने जा रहे हैं। प्रथम चरण में 40 लाख मोबाइल यानी 40 लाख महिलाओं को ये मोबाइल फोन दिए जाएंगे। उसके बाद द्वितीय चरण आएगा, तृतीय चरण आएगा और इस तरह से 40 लाख करके महिलाओं को ये मोबाइल फोन मिलेंगे। जी हाँ, और बड़ा बदलाव ये हुआ है कि एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है कि इन कैटेगरी के लोगों को ही या फिर इनको ही पहले मोबाइल फोन देंगे। प्रथम चरण में इन्हीं लोगों को मोबाइल फोन देंगे और डेट भी अनाउंस की गई है रक्षाबंधन की। इस बार का जो रक्षाबंधन है उस दिन ये इस योजना की शुरुआत होगी। एक दिन में तो सभी को मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उस दिन से लोगों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में ये मोबाइल फोन आना शुरू हो जाएंगे फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और आप सभी को पता है कि सैमसंग वाले मोबाइल फोन होने वाले हैं, तो अच्छे मोबाइल हैं। मैंने आपको उस मोबाइल फोन के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर भी बताया था। अब गहलोत सरकार का कहना है कि प्रथम चरण में जिन लोगों को मोबाइल फोन मिलेगा उनमें 10वीं 12वीं में अगर कोई अध्ययन कर रही है बालिका सरकारी स्कूल में, तो उसे मोबाइल फोन मिलेगा। वो अगर ग्रेजुएशन स्तर पर है, आईटीआई कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर है, तो उन्हें ये मोबाइल फोन सबसे पहले मिलेंगे। इसी के साथ अगर किसी को विधवा पेंशन मिल रही है, कोई विधवा है, कलनारी पेंशन मिल रही है, तो उसे ये मोबाइल फोन सबसे पहले मिलेंगे। जी हाँ, प्रथम चरण में इन्हीं लोगों को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। इसके अलावा तो यहाँ पर और किसी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो इन लोगों को ये मोबाइल फोन, इन महिलाओं को ये मोबाइल फोन सबसे पहले मिलेंगे। सामान्य जो घरेलू महिला है, मेरे हिसाब से उनको ये मोबाइल फोन पहले नहीं दिए जाएंगे। और अगर 40 लाख में से संख्या बच जाती है तो उनका नंबर भी आएगा। उसके बाद सेकंड चरण में तो श्योर है कि सबका नंबर आएगा ही। तो बड़ी अपडेट आ रही है और मोबाइल फोन अब मिलने वाले हैं। जी हाँ, अब ये मत कहना कि मोबाइल फोन को लेकर वीडियो क्यों बनाया, सही वीडियो बना रहा हूं, ऑफिशियली अपडेट आ रही है। और जो राजस्थान में काफी सारे जिले बन रहे हैं उससे संबंधित, उसके साथ में ये अपडेट आ रही है। आप न्यूज चैनल चला के देख सकते हैं, इसके बारे में हर जगह पर जिक्र है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। सबसे पहले तो नहीं, थोड़ा लेट हो गया। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।